विश्व हिंदू परिषद की ओर से शुक्रवार देर शाम को हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। शहर के कॉलेज रोड गंगा मैया मंदिर के पास स्थित विश्व हिंदू परिषद के नए स्थान पर आयोजित जन्मोत्सव के दौरान सुंदरकांड पाठ विरामोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी ने राम दरबार तथा हनुमान जी की छवि पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। इसके पश्चात श्री हनुमान चालीसा पाठ तथा सुंदरकांड का वाचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विहिप के केंद्रीय मंत्री आनंद बंसल, चित्तौड़ प्रांत सहमंत्री शशि इंदौरिया, विभाग मंत्री सुरेश वैष्णव, जिलाध्यक्ष नितेश कोयल, हरमीत सिंह, डुगरमल साखला, अजय शर्मा, कपिल थवानी तथा हनुमान बन्ना तथा बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित थी। मालूम हो कि शहर के कॉलेज रोड ब्यावर पर शहर के एक भामाशाह ने विश्व हिंदू परिषद को अपनी बेशकीमती 1300 गज भूमि डोनेट की है। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री सुरेश वैष्णव ने बताया कि शहर निवासी बजाज परिवार के सदस्य तथा वर्तमान में अमेरिका में कार्डियोलॉजिस्ट ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यों से प्रेरित होकर 1300 गज जमीन डोनेट की है। परिषद ने उक्त जमीन की साफ सफाई करवाकर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया ताकि वर्षों से खाली पड़ी उक्त जमीन का नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सके। वैष्णव ने बताया कि अब शीघ्र ही उक्त जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। ब्यावर शहर में विश्व हिंदू परिषद को एक भामाशाह जो कि अमेरिका में रहते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके द्वारा एक जगह है 1300 गज कॉलेज रोड ब्यावर पर संगठन के काम के उपयोगार्थ नाम ट्रांसफ़र की गई है, यानी कि ये भूमि उन्होंने दान दी है। और वो डॉक्टर साहब ब्यावर के मूलते रहने वाले हैं, बजाज परिवार से हैं और उन्होंने ज़मीन बहुत खुश और उत्साह के साथ संगठन को दी है। क्योंकि यह ज़मीन वर्षों से झाड़ियाँ वगैरह इस तरह का कचरा वगैरह यहाँ पड़ा था, इसकी समस्त साफ सफाई करवा कर आज हमने इस भूमि पर एक सुंदरकांड का पाठ करवाया ताकि वर्षों से जो ज़मीन पड़ी है इस ज़मीन पे किसी भी तरह के कोई जीव जंतु वगैरह विचरण कर रहे हैं तो सुंदरकांड के पाठ से वो नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो। अति शीघ्र ही संगठन के हित में यहाँ पर निर्माण कार्य संगठन की योजना से किया जाएगा।